Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें and चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. बेसिलिका सिस्टर्न इस्तांबुल का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे पुराना महल है. ये एक ऐसा महल है जो जमीन के अंदर बना हुआ है. इस महल को 542 ईस्वी में बाइजेंटाइनी सम्राट जस्टियन प्रथम ने बनवाया था. इस संरचना का उपयोग महलों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था. ये महल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है. ये लगभग 140 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, जो लगभग 9,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. इसके अंदर 336 खंभे हैं जो 9 मीटर लंबे हैं. इस महल को बनाने के लिए उस वक्त लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोग लगे थे. उस वक्त इसके निर्माण में कई लोगों की जानें चली गई थीं. स्तंभों में से एक में हेन की आँख की नक्काशी है, जिसमें निर्माण के दौरान मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में शाखाएँ और आंसू हैं. यह पूरी संरचना आग की ईंटों की दीवारों से घिरी हुई थी, जिसकी मोटाई 4.8 मीटर थी. उनकी सुरक्षा के लिए इसमें वाटरप्रूफ मोर्टार की कोटिंग की गई थी. इस महल के अंदर कुल 52 सीढ़ियां हैं. भूमिगत बुलबुलैया जैसी इस संरचना में 80,000 क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है. इस महल को इसके मूल निर्माण के बाद कई बार बहाल किया गया था. पहली मरम्मत 18वीं शताब्दी में ओटोमन सुल्तान अहमद तृतीय के शासनकाल के दौरान सन 1723 में कासेरी के वास्तुकार मोहम्मद आगा द्वारा की गई थी. इसकी दूसरी बड़ी मरम्मत 19वीं सदी में सुल्तान अब्दुल हमीद तृतीय के शासनकाल के दौरान की गई थी. इस्तांबुल मेट्रोपोलियन म्यूज़ियम द्वारा सन 1985 में अतिरिक्त बहाली के साथ सन 1968 में चिनाई और क्षतिग्रस्त स्तंभों की मरम्मत की गई थी. सन 1985 की बहाली के दौरान 50,000 टन मिट्टी को कुंड से हटा दिया गया था और कुंड के दौरे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावों को बदलने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे. कुंड को 9 सितंबर सन 1987 को जनता के लिए खोल दिया गया था. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.